something which, good question again. So there are certain kind of leather, yellow leather, which is PU. So PU leather, which is a different thing altogether, and that is something I'll look into in the future. I mean, there are aspects, there are things which you cannot avoid being an actor a lot of times, and it's not in our hands. So that is something which I'm really trying hard to, you know, be a part of. Thank you. Hi, yeah. I'm Priscilla, and I'm from Youth Incorporated. You're recording also while yeah. asking the question. Yeah. Yes. Huh. Okay. So my question to you is, being a youth icon, what is your message to the youth, and how would you encourage them to take up plant-based eating, especially the youth? I would only suggest that, see, being a youth icon, I don't know how to suggest that thing. But all I can say is, because I really am an animal lover and an ardent animal lover, I can't see them, you know, being slaughtered the way they are. The way they are taken from one place to the other, which is very cruel, you know. And so animal cruelty is something which I am against. And we do that a lot of times in our meat industry and, you know, food industry. So I think that is something I can only suggest and ask my fans or, you know, the youngsters. Maybe if you just are an animal lover, so don't eat those animals. या माइक एक ही है दो छुपा के क्यों रखे सचिन हाय कार्तिक दीपक यार या हाय कार्तिक जैसे आप वेजिटेरियन को प्रेफर करते हैं जी सर ऐसा कोई टाइम मतलब जब दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं तो कुछ उसमें हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना नॉन वेज वो हमारी फिरकी लेना शुरू हो जाते हैं अरे यार वेजिटेरियन अरे बहुत बार मेरी हर दिन फिरकी लेते हैं सब हर दिन कितना बोरिंग है यार तू वेजिटेरियन ओके तो हाँ या प्लीज प्लीज आप पकड़े तो हाँ उससे कुछ मतलब नहीं होता यार मतलब कई बार ऐसे दोस्त फ्रेंड्स होते हैं कि टेबल पे सब लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं आप वेजिटेरियन होते हैं तो हमेशा से वो चीज़ रिलेट की जाती है कि यार वेजिटेरियन क्यों है यार तू मतलब लाइफ नहीं जी रहा है अपनी तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बहुत बार सवाल आता है बट आई एम यूज टू इट नाउ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल मेरी कंपनी उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है साल 2019 शुरुआत हो चुकी है जी एंड आपकी फिल्म लुका छुपी भी आ रही है 2000 मार्च में आ रही है साथ ही ये भी है कि आप इम्तियाज अली के साथ भी यानी लव आजकल Part 2 पे भी काम करने वाले हैं एंड सारा अली खान के साथ क्या कुछ है उस पर कुछ बताएंगे एंड बिकॉज लक्स गोल्ड अवार्ड में हमने आपसे पूछा था तो लाइक कॉफी डेट के लिए बात हुई थी जी जी तो उस पर आपने कहा ऑफकोर्स आई विल गो फॉर द कॉफी डेट जी सो व्हाट्स द प्लान नाउ फॉर द मूवी तो लव आजकल का पूछ रहे हैं या कॉफी लव आजकल 2 का उसके साथ साथ कॉफी बता दीजिए सर ये तो आई थिंक इम्तियाज सर से आप पूछेंगे तो बेटर रहेगा अबाउट लव आजकल या जो फिल्म वो प्लान कर रहे हैं जब तक पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं आता है हर चीज से तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता कॉफी डेट के ऊपर ऑफ कोर्स मतलब लास्ट टाइम मैंने जो सुना था सारा ने बोला था मम्मी ने उनको बोला कि अभी रुक जाओ अभी बहुत बार बोल दिया है तो अब कार्तिक का रिएक्शन आने दो उनने बोला था सो मैं बस वही बोल सकता हूँ कि मैं तो कॉफी डेट के लिए तैयार हूँ उनको बस जगह बतानी है थैंक यू लास्ट क्वेश्चन आप भी वेट कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन थैंक यू दीपक हाय कार्तिक अच्छा हाय सो कार्तिक आज ऐसी कंडीशन है इंडिया में कि एग्रीकल्चर बहुत ही कम हो गया है जी जी तो मोस्ट ऑफ जो है नॉन वेजिटेरियन की तरफ रुख मोड़ लेते हैं जिस तरह एग्रीकल्चर कम हो रहा उसके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जी एग्रीकल्चर की तरफ आपका रुख बदल रहा है कम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं आई थिंक हमारी मैं उसके लिए यही एक चीज बोल पाऊंगा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और इंडिया मतलब एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है मैन पावर के लिए जाना जाता है I think that is one biggest aspect and biggest ek wo hota na power that we have which is the manpower and uske liye matlab yahi suggest kar sakta hu ki jab hamare paas ye cheez hai to hum usko aur zyada utilize kare us cheez mein aur zyada ghuse and us cheez ko prioritize karke aage badhe so Kartik saath hi saath aap Bollywood ka hissa hai Bollywood ek family ki tarah hai ji to
मी टू पे काफी लोग खुलकर आगे आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं जी। आपका क्या टेक होता है कि आपका जिस तरह देखा जाए बॉलीवुड एक फैमिली है, तो आपकी फैमिली में इस तरह के जब हालात आते हैं, जिस तरह राजकुमार हिरानी पे अब रिसेंटली, उस पे आपका क्या थॉट? कैन वी प्लीज कीप द क्वेश्चंस टू पीटर्स कैंपेन? बोल देता हूं मैं, बस सर मतलब हम सब फैंस रहे इनके, एंड ये जो भी ये सिचुएशन आ रही है, जब तक ये आई थिंक एक लीगल तरीके से प्रूव होती है, तब तक हम कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। लाइक यू नो कि आप भी और मैं भी जानते नहीं उस बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ वे और एक लीगल ऑप्शन जो अच्छे तरीके से उसमें प्रूव किया जा सके, आई थिंक दैट इज़ समथिंग, तब आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट कर सकता हूँ। बट इट्स सैड कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये इंडस्ट्री या कहीं और भी दूसरी इंडस्ट्री में भी, आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट इट। थैंक यू सो मच कार्तिक। देन थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सचिन। थैंक यू कार्तिक। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। एसी नहीं चला है आज। अच्छा कम